नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जबरदस्त लाजवाब दर्द भरा गीत हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़कर। तो अगर आप भी आसानी के साथ इस शानदार गजल को अपने कैफियों के ऊपर सीखना चाहते हैं तो बस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और वीडियो आपको पसंद है, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं इस गाने को अपने कीबोर्ड के ऊपर। तो दोस्तों, गाने की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से होगी, डी शार्प बटन दूसरी काली से। तो दोस्तों, सबसे पहले इस गाने का मुखड़ा जो है उसको हम अपने कीबोर्ड के ऊपर कैसे बजाएंगे, तो एक बार मैं आपको बजा कर दिखा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम सोलो में करके इसको सीखेंगे। तो कैसे बजेगा, तो अब दोस्तों सोलो में करके सीख लेते हैं कैसे बजेगा। पहले इतना हम सीखते हैं, चार बटन का इस्तेमाल हुआ है अभी तक। एक बार सोलो में करके और सीखते हैं। फिर दूसरा पैटर्न कैसे चलेगा, कैसे बजा है। इस वाली लाइन को एक बार और हम सोलो में बजाना सीखेंगे। फिर इसका जो अगला पैटर्न है, तो इस वाली लाइन को हम अपने पियानो के ऊपर कैसे बजाएंगे एक बार और सोलो में करके हम सीखेंगे। ये गजल का मेन लाइन है, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़कर। तो सोलो में करके एक बार और समझते हैं क्या हुआ इसमें। यहां से हम स्टार्टिंग करेंगे जी सार बटन से। तो दो बार यह सेम पैटर्न चलेगा, फिर इसके बाद इसका अंतरा स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम पूरे मुखड़े को एक बार और सोलो में करके सीख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं इसके अंतरे की तरफ। तो बिना ज्यादा देरी किए हुए चलिए फटाफट करके एक बार पूरे मुखड़े को और हम सीख लेते हैं। दोस्तों, अब इसका अंतरा स्टार्ट हो जाता है, तो अंतरा कैसे बजेगा, तो दोस्तों अंतरा इसका दो पैटर्न में है और दोनों पैटर्न एक जैसे ही चलेंगे, सिर्फ चार ही बटनों पर प्ले होगा इसका अंतरा। सुलम करके सीखते हैं दोनों पैटर्नों को एक बार और। तो इतना बजाने के बाद फिर जो इसकी अगली लाइन है सेम मुखड़े वाले पैटर्न के तरीके से बजेगा, बस उसमें थोड़े से वेरिएशन ऐड किया गया है। तो कैसे बजेगा, इतना ही वेरिएशन है, तो सोलो में करके सीखते हैं। तो
बार और सुनना करके सीख लेते हैं। तो दोस्तों इस गजल का जो पहला अंतर है वो पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसका जो सेकंड वाला अंतर है वह सेम पैटर्न चलेगा पहले अंतर के तरीके से उसी बटनों के ऊपर। तो दोस्तों अब हम इस पूरी गजल को एक बार और रिपीट करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में एक बार और आ जाए। अगर आप भी इसे साथ में रिपीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा देरी किए हुए फटाफट करके इस गजल को हम पूरा रिपीट कर लेते हैं। अब इसका अंतराम बजाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको इस शानदार गजल को अपनी हारमोनियम कैसियो कीबोर्ड के ऊपर बजाना काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगर चैनल पर हमारे नए आए हों या चैनल को अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उसको दबा कर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबा दीजिए उस बेल वाले आइकन को ऑल पे, ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास बिना किसी देरी के। तो आप भी इसी तरह के गाने अपने कैसियो के ऊपर बजाना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। तो मिलेंगे हम किसी और वीडियो में किसी और गाने के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।